आप मुझे कॉलेज की कहानी सुनाइए, फिर मैं ये सोचिए. नमिता गोखले जो हैं, हम थर्ड पर्सन में बोल रहे हैं क्योंकि आजकल यही फैशन है. तो मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, आर्ट करना चाह रही थी. आर्ट में दिल्ली में पढ़ रही थी आप? हाँ, दिल्ली में. तो फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी में गई और लिटरेचर पढ़ रही थी और बहुत ही मजे आ रहे थे. आई लव्ड इट. मैं लाइब्रेरी में, दिस इज अर्ली 70s, 73 में मैंने ज्वाइन किया होगा, 74 में मेरी शादी हुई. और आई रियली लव्ड लिटरेचर. आई लव्ड द थिंग. टीचर्स बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था. मैं एकदम लीन थी इसमें. और उन्हीं दिनों मैं राजेंद्र प्रसाद रोड में रहा करती थी, वहीं आईफैक्स था. तो मुझे मौका मिला उन दिनों का थिएटर देखने का. सारे विजय तेंदुलकर के हिंदी में प्लेज. अच्छा. चाहे घासीराम कोतवाल या शांता कोर्ट चालू है. हाँ, पंछी ऐसे आते हैं. हाँ. और सारा मोहन राकेश का आधे अधूरे ऑनवर्ड्स. तो शाम को बस टहलते टहलते सड़क के एंड में अक्रॉस द प्रेस क्लब, जहाँ वो आईफैक्स होता था, वहाँ थिएटर में जाते थे और प्ले देखते थे. तो मुझे इसका इतना पावरफुल प्रभाव पड़ा कि मैंने कहा कैसा लेखन हो रहा है यहाँ. आई कुड सी मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, कितना. और तो चाहे मेरी हिंदी इतनी कोई ग्रेट नहीं थी, पर मैं मुझे बहुत ही इससे मैं इन्फ्लुएंस हुई. और उसी उन्हीं दिनों माय गुड फॉर्चून मैं फैज़ अहमद फैज से भी मिली. अच्छा. एक ऐसी महफिल थी, वहाँ उनसे बातचीत भी हुई थोड़ी. उनकी मतलब नज़्म तो मैं जानती थी वैसे. आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बिकॉज उनका एक्सेंट बड़ा अजीब सा हुआ करता था. हाँ, ऐसा लग... आर्ट सी आवाज़ आती नहीं, और ऐसा लगता था कोई टैक्सी ड्राइवर बोल रहे हैं. रियली उनका, सभी कहते हैं कि उनको उनकी डिलीवरी जो थी ऐसी जैसी हम समझते हैं फैज साहब की रही होगी. हाँ. वैसी नहीं थी. चाहे तो ये सब मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने तरह उर्दू हिंदी मराठी इसकी थोड़ी तो पहचान कर ली थी. तो जब अंग्रेज़ी में उन्होंने हमारा चौसर का क्लास शुरू किया, तो मैंने कहा हिंदुस्तान में ऐसा लेखन हो रहा है और आप मुझे चौसर सिखा रहे हैं. मुझे क्या कि ओल्ड इंग्लिश से मुझे क्या मतलब है. तो मैंने कहा मैं चौसर नहीं पढ़ूंगी. तो उन दिनों पेपर 8, और मेरी शादी हो चुकी थी तब तक. 18 साल में लव होके यंग मैरिज, माई हस्बैंड वॉज 20. और मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना है चौसर. ये मुझे मतलब एक मन में जिद बैठ गई. और एक अल्टरनेटिव पेपर था, पेपर 8B. और पेपर 8B में मॉडर्न इंडियन नहीं, राइटिंग इन हिंदी था. ओके. तो मैंने कहा मैं तो पेपर 8B करूँगी. तो बहुत मेहनत भी की, क्लासेस अटेंड करने बंद कर दिए चौसर के, और पढ़ने लग गई जो भी वैशाली की नगर वधु, मोहन राकेश के, जो भी उसमें एक सिलेबस था वो पढ़ा समझा. और इंग्लिश में जवाब देना था, मतलब ऐसा नहीं, मैं हिंदी में नहीं कर पाती. पर अंग्रेज़ी में उसको हिंदी में पढ़ के उसका क्रिटिकल एनालिसिस अंग्रेज़ी में करना था. मैं बहुत खुश थी. वहाँ एक नन थी, सिस्टर मदर एक्विनास, सिस्टर एक्विनास. वो मुझे बहुत अच्छा भी मानती थी और मुझे अच्छा नहीं भी मानती थी. बागी भी मानती थी? बागी नहीं मानती थी. वो पता नहीं उनको से चढ़ गई थी, तुम शादी मत करो, कुछ होगा उनके मन में, डोंट गेट मैरिड. उन्होंने मेरे हस्बैंड से भी मिली थी, नो डोंट मैरी हिम, डोंट मैरी. ऐसा तो ये तो रुद्रानी की जो वो स्कॉटिश टीचर थी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है. नतीजा ये हुआ कि जब मैं अपना पेपर 8B का फॉर्म भरने गई तो वो सिस्टर एक्विनास मेरे पीछे खड़ी थी. उनको उन्होंने बताया होगा कि जब ये आएंगी मुझे बता देना, या रजिस्ट्रार का ऑफिस वहाँ उनका ऑफिस. तो आई और मेरे कंधे में ऐसे हाथ लगा कर कहा क्या भर रहे हो. तो मैंने कहा मैं अपना पेपर 8B का फॉर्म भर रही हूँ क्योंकि मैं तो ये वाला एग्जाम देने वाली हूँ. तो उन्होंने कहा तुम तो नहीं दे सकते हो. तो मैंने कहा क्यों. उन्होंने कहा क्योंकि तुमने ये पढ़ाई नहीं है. तो ऐसे तुम्हें किसी ने पढ़ाया तो है नहीं. तो ऐसे पढ़ाया नहीं, मैंने तो पढ़ा है. शी सेज नहीं, हमारा रूल है कि अगर किसी ने पढ़ाया नहीं है तो तुम नहीं पढ़ सकते हो. तो ऐसे अच्छा. फिर आई फाउंड कि आई वॉज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस बाई 0.6%, ऐसा कुछ छोटा सा आंकड़ा. और मेरी वजह से उन्होंने पूरे कॉलेज में करीब 160 लड़कियों को रोक दिया एग्जाम देने से. कितना नंबर अब मैं भूल चुकी हूँ. माय सिस्टर इन लॉ वाज अ लॉयर, सुनंदा भंडारी. माय फादर इन लॉ वाज द लॉ मिनिस्टर. यस, एचआर गोखले.
अब मैं नहीं पढ़ी, वो बाकी लड़कियां मेरे सिस्टर इन लॉ को जाती थी, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया कि हमें तो एग्जाम देना चाहिए. स्टोरी गेट्स मोर एंड मोर स्ट्रेंज. हमारे लॉयर कौन थे आप सोचिए? माय लॉयर वाज अरुण जेटली. वाओ. तो अरुण जेटली ही ऑल्सो सेज मेरा पहला केस था, यूज्ड टू से. तो अरुण जेटली हमारे लॉयर थे, हमने कोर्ट में अपील किया. दिस इज 1973. ओके. नहीं 74 77 77 78. इमरजेंसी 76 में लगी थी. इमरजेंसी 75 में लगी. 75 77 खत्म हुई. सो दिस वाज जस्ट बिफोर द इमरजेंसी. अच्छा. तो हम गए कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि ये क्या था उनका जो स्टूडेंट्स यूनियन था, जो काउंसिल था, दे विल डिसाइड, तब तक ये एग्जाम दे दें. ठीक है, हमने कहा हम दे देंगे एग्जाम. एग्ज़ाम हमने दे दिया, सब लड़कियों ने दे दिया, सब जाती थी उन दोनों पटियाला कोर्ट में. ये सब कॉलेज की लड़कियां ऐसे जज पे स्माइल करती थी कि जी हमारा आप केस सुन दीजिए. एकदम तो सीन रहता होगा कोर्ट में. तो उसके बाद तब तक फिर इमरजेंसी आ गई. अरुण जेटली अंडरग्राउंड चले गए एज ही हैड टू. और फिर हमारा जब केस आया कोर्ट के सामने, तो के उन्होंने सारे केसेस को बहुत अच्छी तरह से मतलब समझा, और उन्होंने कहा कि सो एंड सो इतनी लड़कियां हैं, इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनका तो ये फिर से दें एग्ज़ाम. पर इतने 20-25 लोगों का उन्होंने नाम किया कि इनका हम केस समझ सकते हैं. एक लड़की थी, उसकी माँ बीमार थी, वो हॉस्पिटल में, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स के लिए जाना पड़ता था, किसी का कुछ था, ऐसे कि हम समझ सकते हैं इनकी बात. तो इनका हम एडवाइस करते हैं प्रिंसिपल को कि वो इनको अपना डिस्क्रेशन कोटा से, इनको डिस्क्रेशन 10% था प्रिंसिपल के पास डिस्क्रेशन. मैंने कहा वी एडवाइस अ प्रिंसिपल टू यूज हर डिस्क्रेशन. माइनॉरिटी कॉलेज था और प्रिंसिपल ने अपना डिस्क्रेशन नहीं यूज किया. तो बस मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगी. कई लोग तो वापस जाके उन्होंने अपनी डिग्री करी. मैंने कहा बस हो गया मेरा तो एकेडमिक वर्ल्ड के साथ. तो मैंने सुपर फिल्म मैगजीन शुरू किया. आई एम डन विद दिस.